फ्रेंड्स, आज एपिसोड 5 के अंदर हम लोग चलेंगे नारायण आश्रम से मधकोट की तरफ और रास्ते में सीनिक ब्यूटी का एंजॉय करेंगे। आते हुए हम लोगों ने रात में ये सफर तय किया था और इस नेचर को एंजॉय हम नहीं कर पाए थे। बहुत ही अल्टीमेट नेचर आपको मिलेगी। ये रास्ते में एक शेड बना हुआ है, वहां से बहुत ही सुंदर व्यू नजर आता है। आई कैचिंग व्यू आपको पूरे रास्ते मिलते रहेंगे और उत्तराखंड जैसे कि देवभूमि है और यहाँ की नेचर और यहाँ पे देवी देवताओं का एक खास आशीर्वाद है उत्तराखंड को। आपको बहुत ही अल्टीमेट नेचर आपको मिलेगी और पूरे रास्ते आपको नदियाँ, झरने, बहुत पानी के स्रोत, बहुत सारे आप एंजॉय करेंगे। वाकई बहुत मजा आएगा। और धारचूला और जोरजीबी होते हुए हम लोग मधकोट पहुंचेंगे। धारचूला और जोरजीबी के एपिसोड में इससे पहले वाले एपिसोड में नारायण आश्रम से पहुंचने से पहले मैं आपको घुमा चुका हूं, इसलिए वापसी में मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। और ये धौली गंगा के ऊपर बना हुआ डैम बहुत ही खूबसूरत व्यू देता है, बहुत अच्छा लगता है ऊपर से जब हम नारायण आश्रम से धारचूला की तरफ जाते हैं। सीनिक ब्यूटी आपको बहुत अच्छी नजर आती है। वाटरफॉल्स की तो गिनती नहीं है। आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पर वाटरफॉल्स आपको दिखेंगे, बहुत ही ऊंचाई से गिरते हुए पानी और पानी का जो रिदम है। ये जोलजीबी से थोड़ा सा पहले देखिए क्या बढ़िया मौसम, नीचे रिवर और ऊपर बादलों का ये जो झुंड उतर के आया हुआ है, बादल बहुत ही सुंदर व्यू। थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक और झरना, बहुत ही सुंदर झरने सारे रास्ते आपको मिलते रहते हैं। ये हम लोग आ गए हैं शेरा मधकोट से तकरीबन 10 किलोमीटर पहले आपको ये स्प्रिंग गर्म पानी का स्रोत आपको मिलेगा, सल्फर का पानी। यहाँ पर गर्म पानी आपको नहाने के लिए मिलेगा। कहते हैं कि स्किन डिसीज और जोड़ों के दर्द के लिए बहुत आराम देता है, यहाँ पे नहाना बहुत अच्छा रहता है। लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पर नहाने के लिए आते हैं और अपनी स्किन डिसीज और जोड़ों की दर्द को दूर करने के लिए, और साथ ही एंजॉय भी करते हैं। खूब एंजॉय करेंगे आप जब यहाँ पर आएंगे, इसको मिस नहीं कीजिएगा। सामने ही देखिए वाटरफॉल और उसके बिल्कुल पास में ही गाड़ी आप मेन रोड पर खड़ा कर दीजिए। और थोड़ा सा ही चलकर 100 कदम आप चलकर आएंगे तो ये नीचे गंधक का जो स्रोत है, जमीन के अंदर से ही निकलकर ये पानी आ रहा है गंधक का। आप इसमें थोड़ा सा नहाइए, एंजॉय कीजिए और मस्ती कीजिए। अगर आप लंबी यात्रा से आ रहे हैं तो आपकी थकान दूर हो जाएगी। वाकई बहुत मजा आता है यहाँ नहाने में। हम लोगों ने भी यहाँ पे नहाकर एंजॉय किया और मस्ती करी। आप लोगों का मजे है यार, रोज सुबह आओ पार्टी का यार आप कभी शाम को रात को भी आते हैं यहाँ, 8-10-11 बजे गर्म पानी का कि गर्म पानी में यहाँ नहाने के बाद अब हम लोग बढ़ रहे हैं मधकोट की तरफ। मधकोट यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है, थोड़ा सा ही चलकर नीचे आना पड़ता है मेन रोड से। आप इधर आएँ तो ये गर्म पानी के, गंधक के, सल्फर के गर्म पानी में नहाने का मज़ा ज़रूर लें। वाकई थकावट दूर हो जाती है नहाने के बाद। पूल टाइप भी बना रहे हैं, इसका अभी इनॉग्रेशन नहीं हुआ है, ये बंद है। इसमें भी नहाने के लिए आप अंदर डुबकी मार के काफ़ी देर तक उसमें बैठे रह सकते हैं। ये भी यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से तैयार किया जा रहा है। वैसे तो गाड़ी यहाँ तक आ सकती है लेकिन और गाड़ियाँ पार्क होंगी तो दिक्कत होती है। कोई ज़्यादा दूर नहीं है, बाहर मेन रोड के पास ऊपर स्पेस काफ़ी है। एक सुंदर सा फॉल भी
सामने आपको देखने को मिलेगा यहाँ। चलिए अब बढ़ते हैं मथकोट की तरफ। वहाँ भी हैंगर्स, रोड का क्या कटिंग हो जाती है, पत्थर नीचे से रोड बन गई, ऊपर से पहाड़, बड़े बड़े चट्टान, इनको हैंगर बोलते हैं। ये अभी हम मथकोट की तरफ बढ़ रहे हैं, मुंशियारी रह गया तकरीबन 26 किलोमीटर। ऊपर से देखिए कितना बड़ा वाटरफॉल यहाँ से भी आ रहा है। बिल्कुल पहाड़ के बीच में से पानी निकल के आ रहा है। वाव, बहुत सुंदर। ऊपर कटाई हो, कटाव होके पूरा वो शेप बनी हुई है और नीचे यहाँ पानी गिर रहा है। फ्रेंड्स कितना बढ़िया व्यू है, ऊपर से पानी आ रहा है और रोड के परली तरफ ये भी एक यहाँ पे फॉल, बहुत तेज आवाज करता हुआ। बहुत ही सुंदर फॉल है। बौछारें कैसी फैल के जा रही हैं उसकी। बहुत ही अल्टीमेट व्यू है यहाँ का, मज़ा आ गया देख के। तो यहाँ थोड़ा सा मैं चल के आया तो यहाँ देखिए कितना बड़ा वाटरफॉल, अरे वाह क्या फॉल है यार, मज़ा ही आ गया वाकई। अभी थोड़ा मान गर्म पानी से नहा के निकले थे और थोड़ी सी आगे ही आए तो इतना शानदार व्यू, क्या बात है। इतना ग्रीन वैली जो है बहुत ही खूबसूरत, और ये गौरी गंगा इतनी तेज़ी से बहती हुई, साफ नीला पानी, वाह गजब। ये सामने हम लोग अपनी कार पार्क की है और ये थोड़ा सा ही चलकर आना पड़ेगा। गाड़ी भी जा सकती है नीचे, लेकिन गाड़ी हमने ऊपर ही खड़ी करना बेहतर समझा और थोड़ा सा चलकर जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, थोड़ा चलना भी चाहिए। यहाँ भी नहाते हैं, एंजॉय करते हैं। असल में वहाँ हम साबुन वगैरह लेकर नहीं गए थे, हमें नहीं मालूम था साबुन इस्तेमाल करने देंगे या नहीं देंगे वहाँ, तो सनी बोला नहीं साबुन से और शैम्पू करना है तो दोबारा चलते हैं नहाते हैं। तो अब दोबारा हम यहाँ नहाने आ गए हैं, आज आधे घंटे में दो बार। हेलो गाइस, हेलो, आप यूट्यूब पे हैं, चाचा का बायोस्कोप। ये बच्चे यहाँ पर मथकोट में गर्म पानी के कुंड में नहाते हुए, लेकिन मस्ती कर रहे हैं पूरा। चलो अभी हम लोग भी जा रहे हैं। सनी आप
इसीलिए तो आया तुम्हारा नाम। अंकल जी आप भी आओ। मेरा नाम चेतन जोशी है, मैं मटकोट के ढूंढावानी गांव में रहता हूँ। मेरा नाम दीपक कुमार है, मैं मटकोट के गांव में रहता हूँ, देवी नगर वाले। मेरा नाम ध्रुव कुमार है, मैं खरतोली में रहता हूँ। मेरा नाम साहिल लोहान है, मैं भोला में रहता हूँ। आतंकवादी कहाँ है? मेरा नाम एम एस शेरी है, मैं खरतोली में रहता हूँ। खरतोली में खरतोली दोनों भाई हैं। छिपकली बहुत तेज मारता है। दोस्तों अगले एपिसोड में हम चलेंगे चिलकोट, चिलकोट घूमेंगे, मटकोट से हम लोग जाएंगे चिलकोट और इस रूट को एंजॉय करेंगे। अगर आपने अपने चैनल चाचा का बायोस्कोप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर चाचा का बायोस्कोप, आपका अपना चैनल चाचा का बायोस्कोप, और फ्रेंड्स बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलिए।